Welcome students in the online lecture series for the unit Digital Electronics. So see, हमने अभी तक देख लिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है. हमने उसके रिप्रेजेंटेशन भी देखे थे एंड हमने कन्वर्जन देखा था बाइनरी का सब नंबर सिस्टम में और डेसिमल का भी हम कन्वर्जन देख चुके हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन. तो सबसे पहले ऑक्टल को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सो द प्रोसेस इज सेम फॉर बाइनरी टू ऑक्टल. हमने बाइनरी को ऑक्टल में जब कन्वर्ट किया था, हमने तीन तीन का ग्रुप बनाया था. इसी तरीके से यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करेंगे, हम एक नंबर को लिखेंगे तीन बिट के अंदर. सो टू कन्वर्ट अ गिवन ऑक्टल नंबर, रिप्लेस ईच ऑक्टल डिजिट बाय इट्स थ्री बिट बाइनरी इक्विलेंट एंड दैट थ्री बिट बाइनरी इक्विलेंट इज इन द कोड 421. So, अगर हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 367.52, ये हमें दे रखा है ऑक्टल में, हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में. सो 421 कोड में 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 3 मिलता है 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से, तो ये तो हो जाएगा 0 और 2 की जगह आ जाएगा 1 और 1 की जगह आ जाएगा 1. दिस इज इक्वल टू 3. नाउ 6 अगर हमें लिखना है तो 6 मिल रहा है 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से, सो This can be written as 6. Next, 7. 7 इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा 4 प्लस 2 प्लस 1. So, 1, 1, 1. That is equal to 7. Now, 5. 5 हमें मिलेगा 4 प्लस 1 से. So, 4, 0, 1. तो जहां जहां आपको ये नंबर मिल रहा है, वहां पे आप लिख देंगे 1. अदरवाइज अगर वो नंबर नहीं मिल रहा है या उसका एडिशन नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर नंबर का, तो वहां पे आ जाएगा 0. Now, 2. टू हमें यहाँ पे एज इट इज ही नंबर मिल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 010. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर नंबर इन इट्स थ्री बिट बाइनरी इक्विवेलेंट. तो इस तरीके से हमने लिख दिया. इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ऑक्टल का बाइनरी में, वो इस तरीके से हम सब बिट्स को अब मर्ज कर देंगे एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट इट्स रिप्रेजेंटेशन इन ऑक्टल. ओके, नेक्स्ट इज ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन. तो जब भी हमें ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हम 8 की पावर से वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे. सपोज कीजिए हमें 22.34 नंबर दे रखा है ऑक्टल में, हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल, तो 22.34, तो जो नंबर आपका डेसिमल से पहले है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, क्योंकि आपको ये नंबर दे रखा है ऑक्टल में, दैट इज व्हाई यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 8 की पावर 0, 8 की पावर 1. अगर ये आपको बाइनरी में दे रखा होता तो आप 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते, अगर हेक्साडेसिमल में दे रखा होता तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई करते एंड सो ऑन. और 3 पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर माइनस 1 और 8 की पावर माइनस 2 से. सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 18.4375 इन डेसिमल. नाउ फॉर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इसके लिए हम पहले जो हमें गिवन ऑक्टल नंबर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए जब भी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, दो स्टेप्स में हमारा प्रोसेस चलेगा. पहले हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. सो द बेस नंबर 8 इज कन्वर्टेड टू बेस नंबर 2 एंड देन दैट 2 बेस इज कन्वर्टेड टू 16. सो दो प्रोसेस, दो स्टेप्स यहाँ चलेगी, ऑक्टल को बाइनरी में देन बाइनरी को हेक्साडेसिमल. सो अगर हमें ये नंबर दे रखा है 756.603, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे. और हमें पता है जब हम ऑक्टल का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसको तीन तीन बिट में लिखते हैं बाय यूजिंग 421 कोड. सो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. नाउ व्हाइल कन्वर्टिंग अ नंबर फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो हम वहां पे चार चार का ग्रुप बनाते हैं. तो देखिए जैसे ही आप चार का ग्रुप बनाओगे, एक ग्रुप आपको मिलेगा ये, देन नेक्स्ट 4 का ग्रुप मिलेगा ये, एंड देन दिस वन इज लेफ्ट अनोड. तो यहाँ पे आप 3 0 लगा दोगे तो ये बन जाएगा 0001. देन सेकेंड ग्रुप इज 1110, यस, एंड देन द थर्ड ग्रुप इज 1110. नाउ जब आप पॉइंट के बाद का आप ग्रुपिंग करेंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, 0.1100 विल बी वन ग्रुप, then 0001 will be one group and then this one is left alone. So आप यहाँ पे तीन digit या तीन zero add कर सकते. Now see,
0001 कैसे पता चलेगा इसको क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पे 8421 का कोड का यूज करेंगे। अब देखिए जब आपने 8421 कोड यूज किया, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल के लिए है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा 0001 तो ये रिप्रेजेंटेशन 1 की जगह आ रहा है 1, सो दिस इज फॉर बाइनरी 1, देन इज 1110। सो आप क्या करेंगे, जहां जहां 1 आ रहा है दैट मीन्स 8 + 4 + 2 इट इज इक्वल टू 14, ये बन रहा है हमारा 14, पर हम हेक्साडेसिमल में 14 नहीं लिखते हैं, हम 10 से लेके 15 तक के नंबर को ए से लेके एफ तक रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 होगा ए, 11 होगा बी, सी आपका हो जाएगा 12, देन इज 13 एंड देन इज 14। सो आप 14 को रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे यूजिंग सी। ओके, सो दिस इज, सो योर नंबर इज 14, 10 को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे ए से, 11 हो गया आपका बी, देन 12 हो गया आपका सी, 13 हो गया आपका डी एंड देन 14 इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, सो द नंबर इज ई। दिस इज हाउ यू कैन डू द ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नाउ द नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसके हम एक एक को कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखिए, कन्वर्ट 3A9E.B02 इनटू बाइनरी, तो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास में ये है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हर एक नंबर को चार चार बिट में आप लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी और हेक्साडेसिमल में चार बिट का रिलेशन है। तो 3 को आप 8421 कोड में किस तरीके से लिखेंगे, इट इज 0011। नाउ योर ए, ए इज इक्वल टू व्हाट, 10, सो 8 + 2, 8421 कोड में 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1010। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग दिस नंबर। सो 3A9A.B0D का ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इन हेक्साडेसिमल। नाउ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सॉरी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, अगर हमें दे रखा है ये नंबर A0F9.0EB, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो यहाँ हमें जो भी नंबर दे रखा होता है हम उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसकी पावर से, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, देन 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड 16 की पावर 3। नाउ दिस 0EB विल बी मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर -1, -2 एंड -3। सो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे द नंबर विल बी समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, अगेन वी विल बी यूजिंग टू स्टेप्स। पहले हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल। सो अगर हमारे पास में नंबर है B9F.AE, ये हमें दे रखा है हेक्साडेसिमल में, सो हम क्या करेंगे, पहले इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नाउ वी नो कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम चार चार बिट का यूज करते हैं, तो बी का मतलब हमारे पास में है 11। नाउ इन 8421 कोड दिस 11 कैन बी रिटन एज 8 + 2 + 1, सो 1011 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर बी। देन 9 के लिए हम लिख सकते हैं 8 + 1 होता है ये, 8 + 1, सो 1001 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से जैसे ही आपके पास में एक रिप्रेजेंटेशन आ गया ये, अब आपको इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो आपको पता है जब भी हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं हम 3-3 बिट का यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे तीन पीछे से तीन ग्रुप्स का बनाएंगे तो ये 111 एक ग्रुप हो जाएगा, ये एक ग्रुप, then this is another group and this last 101 is one group, so this is how we are making, and then point ke baad ka ye group ban jayega and then last 10 aur ek aap yahan pe 0 apni taraf se add kar sakte ho, so this is how we are making a group, aur jaise hi aap isko 421 code mein represent karoge the output will be this. Now the next is 1's complement and 2's complement, this is very important in binary in DE. तो 1 कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का उसका इन्वर्जन होता है, यानी अगर आपको दे रखा है 1 तो उसकी जगह आप कर देंगे 0, अगर आपको दे रखा है 0 तो आप उसको कर देंगे 1। तो 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1100 अगर हमें निकालना है तो इसका जस्ट हमें इन्वर्ट करना है, तो 1 की जगह आ जाएगा 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 एंड 0 की जगह 1, सो दिस इज हाउ 1's कॉम्प्लीमेंट इज फाइंड आउट। नाउ 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम पहले उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे,
सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट. सो अगर हमें नंबर दे रखा है 1010, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्वर्ट करना है हमें बिट को, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 एंड 0 की जगह 1. नाउ इसके अंदर हमें प्लस 1 ऐड करना है. सो व्हेन यू आर एडिंग 0101 प्लस 1, सो कैसे एडिशन होगा, 1 प्लस 1 वैसे ये होता है 2, बाइनरी में हम 2 को लिखते हैं 10. सो ये जो बिट है ये तो आ जाएगा एडिशन में एंड दिस 1 विल गो इन कैरी. ओके, सो 1 प्लस 0 अगेन इट इज 1 एंड देन 1 एंड 0. सो 0110 इज द रिप्रेजेंटेशन इन टूज कॉम्प्लीमेंट. नाउ साइंड नंबर इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वन एडिशनल बिट इज गिवन. एक एडिशनल बिट हम यहाँ पे ऐड करते हैं नंबर के आगे. अगर साइन बिट 0 होगा तो नंबर पॉजिटिव है, अगर साइन बिट 1 है तो नंबर नेगेटिव है. तो अगर आपको इस तरीके से नंबर दे रखा है 0101001 और आपको बोला है ये साइन बिट रिप्रेजेंटेशन में है, तो जो सबसे पहला बिट है वो यहाँ पे साइन को डिनोट करेगा. अब क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर एंड 101001 इस बाइनरी नंबर का अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5. सो इट इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू 2 की पावर 5 यानी 32 प्लस 8 प्लस 2 की पावर 0 दैट इज 1. सो अगर आप यहां से देखेंगे दिस नंबर इज 41 प्लस 41. अगर इसी नंबर के आगे लिखा होता 1 सो ये नंबर हो जाता माइनस 41. नाउ बाइनरी अर्थमेटिक, अगर हमें बाइनरी एडिशन करना है दो बिट का तो 0 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1. नाउ 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इसको इस तरीके से समझेंगे, 1 प्लस 1 होता है 2, बाइनरी में हम 2 को लिखते हैं एज 10. तो ये जो सम का बिट है ये तो हो जाएगा 0 और ये 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी के अंदर. ओके, सो यहाँ पे अगर हमें 111 और 110 का एडिशन करना है तो 1 प्लस 0 इट इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 0 एक कैरी चला जाएगा. नाउ 1 प्लस 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1 अगेन इट इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा आपके पास में एंड दिस नंबर इज इक्वल टू. सो व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर, एडिशन जब हम इसका कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 एक कैरी चला गया, अगेन 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3. तो यहाँ पे इसका जैसे आप एडिशन करोगे आपको मिल जाएगा 1 और एक कैरी यहाँ पे मिल जाएगा. इसी तरीके से हम बाकी के एडिशन भी कर सकते हैं. नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्शन, 0 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0. नाउ 0 में से अगर आपको 1 को माइनस करना है तो छोटे नंबर में से आप बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ से एक बोरो लेना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 10, देन 10 इज वॉट, 2, 2 माइनस 1 इज 1, ये हो गया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये नंबर यहाँ पे बोरो के अंदर आएगा. सो विद 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, विद अ बोरो ऑफ 1 इट इज इक्वल टू दिस. सो जैसे ही आप इसका माइनस करेंगे आप यहाँ कर सकते हैं 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 माइनस 0 इज 1. सो दिस इज द बाइनरी अर्थमैटिक एंड दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.